श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने के लिए श्रद्धालु में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। श्री कृष्ण मंदिरों तथा घरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना 26 अगस्त को होगी। चितारोली में कान्हा की मूर्तियां खरीदने के लिए श्रद्धालु की भीड़ लगी रही। जन्माष्टमी के दो दिन पहले ही मिट्टी की बनी कान्हा की मूर्तियों को बेचने वाले मूर्तिकारों द्वारा कई स्टॉल दिखाए गए थे तथा मूर्तियों को फाइनल टच किया जा रहा था। शनिवार को चितारोली क्षेत्र में श्रद्धालु की कान्हा की मूर्तियां खरीदने के लिए भारी भीड़ दिखाई दी। महंगाई के बावजूद श्रद्धालुओं में आस्था के साथ भक्ति का संचार दिखाई दिया। मूर्तियों में भगवान कृष्ण के मनमोहक रूप दिखाई दे रहे थे। अनेक प्रतिमाओं में भगवान कृष्ण की लीलाओं को साकार किया गया था। भगवान कृष्ण की राधा के साथ मनमोहक लीला करते हुए माखन खाने के साथ शेषनाग पर विराजमान अनेक धार्मिक प्रसंग पर आधारित अनेक प्रतिमाओं को मुकुट के साथ अनेक परिधान के साथ मूर्तिकार बेच रहे थे। 26 को मूर्तियों को खरीदने वाले कई श्रद्धालु मुहूर्त के अनुसार स्थापित करेंगे। रविवार से और भी मूर्तियों की खरीदारी शुरू होगी। सोमवार को कान्हा की मूर्तियां खरीदकर घर घर में विराजमान करने का सिलसिला शुरू होगा। 1 फुट से लेकर 4 फुट तक मूर्तियां बिक रही है। मूर्तियों की साइज तथा सजावट के साथ दाम मूर्तिकार तय कर रहे हैं। बाजारों में भगवान कृष्ण के झूले भी बिक रहे हैं तथा सजावट के सामान भी श्रद्धालु खरीद रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। Thank you.